मुजफ्फरपुर के हियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ वार्ड नंबर 10 में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत भतीजे शिव नारायण साह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाचा बंदा साह की पीट पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने गए मृतक के बेटे और बहू भी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बुधवार शाम की, जब शिव नारायण अपने दोस्तों के साथ तेज आवाज में गाने बजाकर शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान बिंदासाह के घर के कुछ बच्चे छत से झांक रहे थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग जुटे, लेकिन आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बिंदासाह की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले से जमीन का विवाद चल रहा था। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अय्यापुर थाना की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। FSL टीम को भी बुलाया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। परिजन का भी है, जो मारा है ना, उसके बेटा का है, सब कहा है ऐसा ही अंदर क्या बोल जमीनी क्या हुआ कि बार बार फैमिली को कैसे उठवा देगा? अगर कुछ भी होगा तो उसी के नाम लगाएगा। बार बार पता है कि हम तुमको बेटी माँ को उठवा देंगे, तुमको मरद मनुष्य घर में उसको हम जान से मरवा देंगे। हम लोग थे जन बैठे हुए थे, शिव नारायण आया, उनको संजीत मंजीत आया, लक्ष्मी सा आया, विकास था, संतोष सा, और उनको माए था परेमा देवी, सबको आया। हम लागत जोड़ था कि मैंने लोड रोड चला दिए, मथा फट गया, हम गए गिर ऊपर से कर लाउड जोड़ा था कि मैंने लगा पैरों पर मार दिए, दूल्हा शिव नारायण पैर पर मार दिए ऑपरेशन के सिरे। कब 8 बजे करीब में, नहीं शाम पर। हाँ सब कोई था, दारू पी रहा था ना। पहले 4 बजे, पहले शुरू में हुआ 4 बजे, तो हमको एक बच्चा में है, तो हमको कही है बच्चा गया, दोनों भाई बन गए कपड़ा उठाने ऊपर, तो तुम अपना में क्या कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है, तो अपना में है, हमको बच्चा गया ऊपर कपड़ा लाने, तब ऊपर गाली बकने लगा, गंदा गाली बकने लगा, मतारी कैसे करेंगे, तुम्हारा बहन कैसे करेंगे, तो बउआ बोला हमको ये कि ऐसे कहा गाड़ी बक रहा है रे, गाड़ी चाचा नहीं बकवागा, हम जाते मम्मी के नभीरी इवन से उतरे छत पर से उतरे तोले हमने एक जन बैठ रहे थे वहाँ से दौड़ते छत पर से अलग बउआ तो लगे बउआ कथी भेल हुआ से तू दौड़े छते, तो इन्ने से संजीत शिव नारायण सब कोई आए हाली गए, तोरा माई के गंदा गाड़ी क्या कहे लाज के बाद
तो बउआ के गाड़ी देने लगा तो क्या कहा है हमको बतलाइए ना पहले, तब ना हम समझेगा। हमको तो सहन नहीं है बच्चा, मौत वहाँ से घर में है ये नहीं है, तो हमको बतलाइए पहले। तो हम कहें कि ठीक है बतलाओ हमको पहले, तो झोटा धर लिया पैर ऊपर मार दिए एक ला, तो हम गए गिर रोड चलाने लगे हाली हाली। पहले से जमीन उमीन के बारे में था ना, तो जमीन उमीन के बारे में तो मर्दे मानुस ना फरियाएगा कि औरत में आइएगा घर में घुस कर मार दीजिएगा। घर में आए, घर में हम लोग यहाँ चौकी नहीं धरा हुआ था, तो चौकी पर बैठे हुए थे सब कोई, तीनों को दोनों गोतनी थे नाना से बउआ के लेकर खिला रहे थे हम, वही पर आए अनचितले में मार दिए। कितने लोग घायल हुए इसमें? तीन आदमी है, पति है मेरा, अब पापा है, हम है, अब बउआ के तो मार गंजुंजी फाड़ गए, आ दीदी के लागे नाइटी उटी धा के खींचने, आ नाइटी पहले दोसर जो पहने हुए थे तो नटिया धा के एक लत मार नटिया धा के गिरा दिए सब। मैं एक बार शिव नारायण जी है तो नाइटी धा के फाड़ दिए सब कोई, आ लागे लात चलाने आना धून झोटा धा के, तो औरत जा जीतेंगे हम लोग दू गोतनी में ना। वहाँ बच्चा बच्चा का मेटर में सियान आदमियों को मारा है, सब आदमी को पूरा फैमिली को मार दिया है। शिव लड़ाई नाम है, वो मारा है सब टोटल आदमी को, और 10 लड़का को बुला करके मेरा पिताजी के मारवा दिया। ठीक है, उसके बाद में 6 बजे खानी के था, उसके बाद में रात में 8 बजे खुनी आके एक टेम्पो आदमी आ करके टोटल आदमी के मारा, कपड़ा फाड़ दिया, तीनों पत्नी के भी, मेरा भी, पापा जी के भी, पापा का मार भी दिया पूरा जान से। कहानी है सर, अभी घायल हो गया? हम भी घायल है सर। क्या विवाद है इसमें? विवाद सर था, बच्चा गया गया था छत पर कपड़ा लाने, कपड़ा के आया था तो वही ऊपर में था, तो पता ही माता चोरे बहन चोरी करेंगे वो करेंगे, उन्हें से आया निकल के बगल वाला रूम से आया निकल करके मेरा बच्चा के मारा, सब दारू पी रहा था वहीं पर बैठ कर, बजा बजा रहा था। फिर उसके बाद में आया मेरा पत्नी के पहले मारा, हम घर पे नहीं थे, उसके बाद आया सर, हम आए जब फोन किया हमको पास, हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद हमको भी मारना शुरू कर दिया टोटल आदमी। हम सिंगल अकेले थे घर पे, मेरा पत्नी था आप भाभी था, बस ये तीन आदमी थे हम लोग घर पे, और लोग 15-20 वो लड़का था। उसके बाद में सामने वाला घर ननकी सा का है, वो भी मारा। उसके बाद में है कितना नाम है उसका, लक्ष्मी सा का बेटा, टोटल आदमी मिल गया उनको मारा। किनकी मौत हुई थी? जी श्री बिंदा साहब, मेरा पिताजी हुए। उस समय घर में थे? नहीं, वो घर पे नहीं थे। फिर कैसे हुआ? तो वहाँ से हम लोग वहाँ जैसे 8 बजे रात की घटना है, रात में 6 बजे भैंसी चला के अबे किए थे, उसके बाद रात में आया सब मिलकर मार दिया मेरा पिताजी के, हमको भी जख्मी कर दिया, यहाँ भी मारा हुआ है पूरा दाग है, और पूरा कपड़ा फाड़ दे। क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र हो गया। सुबह में हम लोग को जानकारी मिली है कि दादर कुलहुआ वार्ड नंबर 10 में एक व्यक्ति की मारपीट कर जख्मी करके हत्या कर दी गई है, और सूचना के अनुसार हम लोग आए, छापामारी किए हैं इनके घर पर, सभी अभियुक्त जो है घर से फरार है, उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अपने आगे की कार्रवाई जो है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाकर हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजेंगे, और जो है FSL की टीम को भी यहां पर घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु बुलाएगा। प्राइमा फेशिया लग रहा है कि ये लोग को पूर्व से जमीन विवाद है, जमीन विवाद के कारण जो है आज मारपीट की घटना हुई है, जिसमें मारपीट करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। दोषियों को हम विरुद्ध हम लोग छापामारी कर रहे हैं। घायल भी है सर? हाँ, घायल इसमें दो व्यक्ति इंजर्ड भी है, और एक इलाज ये लोग सदर अस्पताल में कराए थे, इलाज कराने के बाद घर वापस आए, और शाम सुबह में आज इनकी मृत्यु हो गई। कल रात को 8 बजे हमको फ़ोन आया कि झंझट हो गया है, कि थोड़ा सा आके सवेरे पंचायती करके फरिया दीजिएगा। झंझट होने के बाद जो ये लोग इंजर्ड हो चुका था उस समय, तो हम कहें ठीक है हम सुबह आएंगे, लेकिन अचानक मुझे सुबह फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया कि झंझट कल रात में हुआ, तो फिर 2 बजे लगभग 2-3 बजे के आसपास में उसकी मृत्यु हो गई है। तो सुबह 6 बजे हमको घटना का पता चला, तो फिर हम भागे भागे आए। क्या लगता है झंझट के पीछे क्या मन?
देखिए ये झंझट के पीछे थोड़ा बहुत हमको जहाँ तक ये है जानकारी है कि जमीनी विवाद है। हाँ, इसको दो तीन बार हम लोग हरियाणा के कोशिश भी किया था, लेकिन अपोजिट पार्टी जो है वो दबंगता दिखाता था, माना नहीं, और इसी वजह से जो है बार बार ये झगड़ा होते रहा। जेल भी जा चुका है वो कितने बार। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम पंकज सावड़िया, दादर कुलवा सरपंच।